एंटीबायोटिक्स की सीरीज में हम लोग नाइट्रो इमिडाजोल क्लास के अलग अलग एंटीबायोटिक्स के बारे में बात कर रहे थे। मेनली नाइट्रो इमिडाजोल क्लास में जो एंटीबायोटिक्स होते हैं उनको हम लोग एंटी माइक्रोबियल बोलते हैं। तो ठीक, ये भी आपका एक एंटी माइक्रोबियल ड्रग है। इसका नाम है आपको ऑर्निडाजोल। ऑर्निडाजोल कैसे काम करता है, क्या काम करता है, किस तरीके से इसका उपयोग करते हैं, क्या डोज है, प्रेगनेंसी में सेफ है या नहीं है, इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले नमस्कार, मैं प्रोफेसर रजत आपका दवाइयाँ में स्वागत करता हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और ऑर्निडाजोल की अगर बात करें तो ऑर्निडाजोल मेनली एनएरोबिक बैक्टीरिया के ऊपर काम करता है। ये सारे तरह का बैक्टीरिया के ऊपर काम नहीं कर पाता है। इसके अलावा ये प्रोटोजोआ और अमीबा के ऊपर भी काम करता है। इसी वजह से आप इसको बोल सकते हो कि ये एंटी माइक्रोबियल है। ये अपनी बोलो तो कि एंटी बैक्टीरियल है, क्योंकि अगर एंटी बैक्टीरियल बोलोगे तो स्पेसिफिक एक बैक्टीरिया के ऊपर काम कर रहा बात हो जाएगा। नहीं, ये अलग अलग माइक्रोऑर्गेनिज्म के ऊपर काम करता है, तो इसीलिए आप इसको बोलोगे कि एंटी माइक्रोबियल है। जैसा मैंने कहा कि ये नाइट्रो इमिडाजोल क्लास से बिलोंग करता है। ठीक है, अगर इसके मैग्मा ऑफ एक्शन की बात करें तो जैसे बाकी नाइट्रो इमिडाजोल क्लास के ड्रग्स का मैग्मा ऑफ एक्शन है, वैसे इसका भी है। ये क्या करता है कि डीएनए के साथ जाके इंटरेक्ट करता है। पहले होता ये है कि इस जब बॉडी में आप इसको लेते हो तो ये जो भी माइक्रोऑर्गेनिज्म है उनके अंदर चला जाता है, वहाँ पे इसका मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म होने के बाद ये एक्टिवेट फॉर्म में चला जाता है, यानी कि ये कन्वर्ट होता है आपको नाइट्रो रेडिकल्स में। नाइट्रो रेडिकल्स क्या करते हैं कि वो जाके बॉन्ड बनाते हैं डीएनए के साथ। तो डीएनए का जो डबल हेलिक्स होता है उसके साथ ये जाके बॉन्ड बना देता है। उससे क्या होता है कि डबल हेलिक्स खुल नहीं पाता है। तो नहीं खुलने की वजह से क्या होता है कि फर्दर डीएनए का सिंथेसिस रेप्लिकेशन नहीं हो पाता है। तो जो एग्जिस्टिंग डीएनए है उनका रिपेयर नहीं हो पा रहा है, फर्दर डीएनए बन नहीं पा रहे हैं, तो जो भी माइक्रोऑर्गेनिज्म है उनका ग्रोथ रेप्लिकेशन नहीं हो पा रहा है, तो धीरे धीरे उनका डेथ हो जाता है। अगर फार्माकोकाइनेटिक की बात करें हम लोग, तो जैसे ओरली फॉर्म्स को लिए बॉडी में एब्जॉर्ब हुआ, पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, लेकिन सबसे स्पेसिफिक बात इसका ये है कि ये ब्लड ब्रेन बैरियर को पास कर सकता है। ठीक है, तो वहाँ भी इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। फिर इसका मेटाबॉलिज्म लीवर में होता है और यूरिन के थ्रू बॉडी से ये बाहर निकल जाता है, थोड़ा बहुत फेसेस से भी बाहर ये निकलता है। अगर इसके यूजेस की बात करें तो इसके अलग अलग एडवांस वर्सेटाइल यूजेस हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन के बारे में। तो जो भी इंटेस्टाइन के इन्फेक्शन होते हैं या फिर आप बोल सकते हो इंफ्लामेटरी बॉयल डिजीज हो गए हैं, जैसे कोलाइटिस हो गए, डायवर्टिकुलाइटिस हो गए, तो उन केसेस में इसका यूज आप कर सकते हो। अगर मैं बॉयल इन्फेक्शन की बात कर ही रहा हूँ, पेट इंटेस्टाइन की इन्फेक्शन की बात कर ही रहा हूँ, तो डायरिया डिसेंट्री में भी इसका उपयोग आप बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से जो होता है ऑफ्लोक्सासिन वगैरह के कॉम्बिनेशन के साथ यूज कर सकते हो। उसके अलावा ये आपको स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन में भी यूज होता है। ठीक है, जैसे कि सेलुलाइटिस हो गया, घाव हो गया, इम्पेटिगो हो गया, तो वहाँ भी इसका उपयोग आप लोग कर सकते हो। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात बोलूँ तो ऑर्निडाजोल जनरली कॉम्बिनेशन में ही यूज करते हैं। रेयरली ऐसा होता है कि सिंगल टैबलेट यानी ऑर्निडाजोल का सिंगल थेरेप्यूटिक में यूज हो रहा है, ये कॉम्बाइन थेरेपी ज़्यादा इसमें यूज किया जाता है। इसके अलावा गम एंड डेंटल इन्फेक्शन में यूज होते हैं। जो भी दांतों में इन्फेक्शन हो रहे हैं तो डेंटिस्ट इसका प्रिस्क्रिप्शन में यूज करते हैं कॉम्बिनेशन के साथ, ताकि जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, किस तरह का इन्फेक्शन है, उसको खत्म किया जा सके। और अगर गलती से पैरासाइट इन्फेक्शन हो गया तो वहां भी इसका उपयोग किया जा सके। अगर मैं पैरासाइटिकल इन्फेक्शन की बात करूँ तो ये आपको जियार्डियासिस, अमेबियासिस या फिर ट्राइकोमोनियासिस जो इन्फेक्शन होते हैं वहां पे इसका उपयोग आप कर सकते हो। जियार्डियासिस और अमेबियासिस इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है जो डायरिया डिसेंट्री कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जियार्डियासिस आपको जियार्डियल और लेम्बिया नाम का एक प्रोटोजोआ होता है, उसकी वजह से होता है। अमेबियासिस आपको एंटामीबा हिस्टोलाइटिका नाम का एक अमीबा होता है, उसकी वजह से होता है। तो ये दोनों डायरिया डिसेंट्री कराते हैं। ट्राइचोमोनियोसिस जो होता है, ट्राइचोमोनस विजिनलिस नाम का एक प्रोटोजोआ होता है, जो एक प्रकार सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज कराता है, जो हमारे यूटीआई को खास करके वजाइना को अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वजाइना में फाउल स्मेल आना, वाइट डिस्चार्ज होना, इचिंग होना, इस तरह की समस्याएं देखने को मिल जाती है। तो वहाँ पे ये बहुत अच्छे तरीके से इफेक्टिव होता है, उन सब बीमारियों को ये अच्छे तरीके से क्योर कर पाता है। ठीक है, इसके अलावा ये जैसे मैंने कहा ब्लड ब्रेन बैरियर को पास कर सकता है। तो जो न्यूरोलॉजिकल जो डिसऑर्डर होते हैं, जैसे कि किसी में एब्सेसिस हो गया, ब्रेन एब्सेसिस हो गए, या फिर ब्रेन सर्जरी या न्यूरो सर्जरी हो रही है, तो वहाँ पे इसका उपयोग हम लोग करते हैं। ब्रेन एब्सेसिस का मतलब होता है कि ब्रेन में इन्फेक्शन की वजह से घाव हो जाना, पस भर जाना,
ठीक है, तो वो ब्रेन एसेसिस हो जाता है। और अगर किसी का ब्रेन में सर्जरी हो रही है, न्यूरो सर्जरी हो रही है, तो वहाँ पे इसको यूज़ करते हैं ताकि कोई इन्फेक्शन ना हो और घाव जल्दी सूख सके। ठीक है, इसके अलावा इसका यूज़ हम लोग बैक्टीरियल वेजाइनाइसिस में करते हैं, यानी कि जब बैक्टीरिया वेजाइना में जो बैक्टीरिया होते हैं उनका जब बैलेंस बिगड़ जाता है तो बैक्टीरिया का ग्रोथ अनकंट्रोल हो जाता है और बैक्टीरिया से वही वाइट डिस्चार्ज होना, स्मेलिंग स्मेल आना, खुजली होना, इचिंग होना, रेडनेस हो जाना, जलन होना, इस तरह के प्रॉब्लम देखने को मिल जाते हैं। तो वहाँ पे भी इसको अप्रोच हम लोग करके उस प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हैं। एज अ प्रोफाइलेक्सिस ट्रीटमेंट में भी होता है कई सर्जरी में, घाव सुखाने के लिए या फिर किसी तरह के इन्फेक्शन से बचाने के लिए। ठीक है, खास करके पेट के और न्यूरो के सर्जरी में इसका यूज कर लेते हैं एज अ प्रोफाइलेक्सिस ट्रीटमेंट। ठीक है, ये तो हो गई यूजेस। अगर मैं डोज की बात करूँ तो मेनली 5 mg दिन में एक बार इसका डोज होता है, कभी कभी 2 बार भी यूज़ कर सकते हैं। अगर साइड इफेक्ट की बात की जाए तो इसकी अलग अलग साइड इफेक्ट है, जैसे नोसिया, वोमिटिंग, डायरिया जो साइड इफेक्ट है वो तो है, मेटेलिक टेस्ट है। इसके अलावा एलर्जिक रिएक्शन देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि खुजली होना, स्वेलिंग होना, और जो यूरिन होता है उसका कलर थोड़ा चेंज हो जाता है, तो ये कुछ साइड इफेक्ट्स में देखने को मिल जाते हैं। अगर ड्रग इंट्रैक्शन की बात करें तो अलग अलग ड्रग के साथ इंट्रैक्ट करता है, जैसे मेथोट्रेक्सेट हो गया, एंटीकोगुलेंट हो गया, इनके साथ इंट्रैक्ट करता है, जिसके वजह से मेथोट्रेक्सेट और एंटीकोगुलेंट की टॉक्सिसिटी देखने को मिल जाती है। इसके अलावा अगर इसके इन्फेक्शन की बात करें तो लिथियम के साथ इंट्रैक्ट करता है, लिथियम का टॉक्सिसिटी देखने को मिल जाता है। अल्कोहल के साथ इसको बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, कम से कम 48 घंटे का गैप होना चाहिए अल्कोहल अगर आप कंज्यूम करना चाहते हैं, क्योंकि उल्टी करवाता है, पेट में दर्द करवाता है। उसके अलावा जो एंटी डायबिटिक ड्रग्स होते हैं उसके वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल डिस्टर्बेंस शुरू हो जाता है, ये इंट्रेट करता है, तो ओरल कॉन्सेंट्रेटिव फेल कर जाते हैं। फिनाइट्रोइन की टॉक्सिसिटी देखने को मिलती है, अगर फिनाइट्रोइन और ऑनिडाजोल को एक साथ लिया जाता है, तो ये कुछ दवाइयाँ हैं जिनकी वजह से आपको नहीं लेना चाहिए। अगर प्रेगनेंसी की बात करें तो डिपेंड करता है कि प्रेगनेंसी में इसका यूज़ करें या नहीं, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो वहाँ पर इसका यूज़ होता है, नहीं तो डॉक्टर प्रिस्क्राइब नहीं करते। आप किसी भी दवा को अपने मन से प्रेगनेंसी हो या नॉर्मल हो मत लिया करिए, हमेशा डॉक्टर या किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल की सलाह लेके ही इसका उपयोग किया करिए, अपने मन से ना करें, वीडियो देख के बिल्कुल ना करें। ये वीडियो आपके इन्फॉर्मेशन के लिए, आपको जानकारी देने के लिए है, ना कि प्रिस्क्राइब करने के लिए। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो फिर मिलेंगे, तो अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।